गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज पता नहीं क्या बात है भाई, हर तरफ ट्रैफिक कम है। वीकेंड शुरू हो गया, फिर फ्राइडे है आज तो बस पता नहीं क्यों, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे कि ट्रैफिक नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, छुट्टी तो नहीं है कोई, कोई छुट्टी भी हो सकती है पता नहीं। तो अभी तो निकले हैं लेकिन रास्ते में आज कम है ट्रैफिक, देख के लग जाता है। तो एक बार ये थोड़ा सा जो ट्रैफिक है पार हो जाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। समझ रहे हो, इतना सारा ट्रैफिक झेलने के बाद अगर थोड़ा कम भी मिल जाए तो लगता है कि यार ठीक है। तो भाई लोग आज रास्ते में सही में ट्रैफिक कम है। अभी देखेंगे गुड़गांव की तरफ पहुँच के वहाँ है या नहीं। अरे यार लोहे का ट्रैफिक अपडेट देना है क्या मुझे? मैं तो अभी आज जाना है कहीं, तो शाम को जाऊंगा। एक्चुअली कुछ सामान भी लेना है मुझे, तो देखते हैं जैसे फ्री होंगे शाम को निकल जाएंगे, जाके ले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है काम। और इतना लंबा पेंडिंग कर दिया मैंने, मतलब कभी टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ कि जाऊं और करके आ जाऊं अपना। थोड़ा सा कुछ सामान लेना है तो आज देखेंगे, आज शाम को शायद जल्दी फ्री हो जाए। गुड़गांव में धुंध ज़्यादा है, दिल्ली में अभी धुंध नहीं हुई है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा। देख रहे हो कैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डेंस तो अभी नहीं हुआ वैसे, बट है क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी तो हैं ज़्यादा, तो हो सकता है ऐसे। अभी पता नहीं, पोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देख लो भाई अब यहाँ से निकला हूँ मैं, इतना धुंध हो गया अभी, पता नहीं कितने दिन पहुँचूँगा। फिलहाल ट्रैफिक जाम तो होगा ही रास्ते में, तो एक बार देखते हैं क्या हो पाता है कैसे। तो जैसा होगा वैसा कर लेंगे, अभी तो फिलहाल क्या बताएं, इतना सारा ट्रैफिक रास्ते में मिल जाएगा कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। और अब दीपावली का डेकोरेशन यहाँ शुरू होगा, जल्दी शुरू करेंगे सब लोग, और सब अच्छा ही है जैसा है। और देख लो आज आफ्टरनून में यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम लग गया था, यहाँ तक मतलब पीछे से मेन रोड से लेके यहाँ तक, मतलब हाईवे से यहाँ तक जाम था। आप समझ लो कि यहाँ से मेरे को वहाँ तक पहुँचने में लगा था 20 मिनट। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और उसे बच भी नहीं सकते हैं। अभी तो गाड़ी में पेट्रोल देखो वो भी रिजर्व में है, अभी देखेंगे आगे पेट्रोल पम्प है वहाँ लेंगे, पहले पेट्रोल लेंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पता नहीं जाम मिल गया तो दिक्कत ही हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ऐसी दिक्कत हो, बस बीच रास्ते में गाड़ी लगा देते हैं लोग और खड़े होकर सामान खरीदते रहते हैं। एक तो इतना चौड़ा रोड, इसमें आधा है देखो ऑटो वालों ने कैप्चर कर रखा है क्योंकि ये क्या है, फर्नीचर शॉप्स हैं, तो लोग खरीदते हैं और ये ढो के ले जाते हैं, तो आधा तो इन्होंने कैप्चर किया है और आधा लोग जो खरीदने आते हैं वो गाड़ी लगा देते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे, क्या करें। और सबसे बड़ी बात, इतना जोर आज भूख भी लग गया मेरे को, गाड़ी में भी है और देखो बहुत लेट हो गया है। और दिन तो इतना लेट होता नहीं है लेकिन आज हुआ है, तो अभी पहुँचेंगे। फिलहाल एक बार पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिवाली की सजावट शुरू हो गई। एक बात है, अगर आप मतलब कोई भी चीज़ करते हो, अच्छा यहाँ पहले पेट्रोल लूँ वहाँ लूँ, वहाँ ले लूँगा लेट होगा, यही ले लेता हूँ। तो भाई ये भारत पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रोल लिया, मुझे तो लग रहा है कि ये डंडी मारने वाला पेट्रोल पंप है क्योंकि 20 लीटर आना चाहिए था, आया नहीं है। मीटर में तो नहीं दिखा रहा है कि 20 लीटर आया, 20.58 मैंने उसने 20 लीटर पेट्रोल लिया, आया नहीं, पता नहीं क्यों। मे बी सेंसर गलत कर रहा होगा या भाई साहब ने ज़्यादा ही पेट्रोल दे दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ लेता नहीं बट आज ले लिया, क्या कर सकते हैं। अब एक बार प्रेशर चेक कराते हैं फिर निकल जाएंगे। ये सब दिक्कतें होती हैं यार, पेट्रोल पंप पे कुछ कर ही नहीं सकते आप, ये लोग ऐसा करके रखते हैं सेटिंग, जो भी है कुछ नहीं होगा। अभी देखो बॉर्डर पे जाम ना मिल जाए, बहुत
आजकल तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसे। और एक बात देखो, गुड़गांव जाओ काम, आज मैं सोचा था जल्दी निकलूँगा, मुझे कुछ काम था, फिर 9 o'clock ऐसे ही हो गया और निकल नहीं पाया मैं, मेरे को बहुत अर्जेंट काम था, बट कैसे करें, कर नहीं पाते ना। तो ठीक है, अब क्या करें, किसी दिन, कल वीकेंड है, कल टाइम निकालें अगर तो कर लें तो बड़ी बात है, कल भी ना हो पाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, बट करना ज़रूरी होता है काम। तो अब देख रहे हो यहाँ जाम नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, चेक पोस्ट पर अगर पुलिस रोकती है तो और जाम लग जाता है, बट आज नहीं है। देखो पोल्यूशन लेवल देख रहे हो, 224 दिखा रहा है, वेरी पुअर, 146, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, मतलब अभी बिगिनिंग में ही विंटर के, और कुछ दिन बाद तो मुझे लगता है कि ये ऑड इवन। और अभी एक बात बताता हूँ, अभी गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक कुछ नया रूल लाया है, पहले भी पिछले साल भी वैसा आया था कि सिग्नल ऑन कार ऑफ, कुछ ऐसा था, पता नहीं कुछ, हाँ यही स्लोगन था, सिग्नल ऑन कार ऑफ। तो बहुत सारे, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन अच्छा है, कि क्या है, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ सिग्नल पे ऑन ही रखते हैं, तो उससे जो भी एग्जॉस्ट निकलता है तो एग्जॉस्ट से वो पोल्यूशन तो बढ़ता ही है। तो एक ये मेथड मतलब अच्छा है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और अभी दूसरा कुछ ऑडी वैन ये सब, अगर ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल अभी पहुँचते हैं दिल्ली, एक बार दिल्ली पहुँचते हैं फिर आपसे बात करते हैं। आ गए और अब खाना खाएंगे, एक बार खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे, आज थोड़ा जल्दी उठे थे तो एक बार खाना खाते हैं, उसके बाद कोई काम तो है नहीं वैसा, एक बार खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।